मृदालिन सिंह सांगेर ने मिडलैंड होटल में बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, गोविंदपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ी हूं, मुझे 180 वोट प्राप्त हुए हैं कुल और मेरी जनता जो अपनी गोपनीयता तोड़कर मुझसे कह रही है लिखित रूप में अपने वोटर कार्ड के साथ 300 लोग जो प्रेजेंटली मेरे सामने अवेलेबल हैं जिन्होंने कहा कि हमने आपको वोट दिया है और जहां भी जाकर आपको कहना हो या मिलना हो, बताना हो, साइन करना हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इलेक्शन कमीशन मुझे ये बताए कि मुझे 180 वोट वह कह रहे हैं मुझे प्राप्त हुए हैं, तो 300 लोग क्या झूठ बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मैं इस बारे में रिटर्निंग ऑफिसर से कंप्लेंट की तो उन्होंने कहा सब कुछ सही है। मैंने कहा कि सारे बैलेट पेपर की गिनती करिए, बीपी पर्ची की गिनती करिए, तो उन्होंने मना कर दिया। इस बात से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया बदलनी चाहिए और चुनाव वैलिड पेपर पर होने चाहिए, मेरा यही निवेदन है। और रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, मुझे ये भी कहा कि आपको जो भी कंप्लेंट करनी है और जो भी सर्च प्रस्तुत करने हैं वह हाईकोर्ट में जाकर प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट जाने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। अगर मुझे कोई सक्षम आदमी मिले तो मैं हाईकोर्ट में इसकी पुष्टि कर सकता हूँ कि मुझे 300 से कम वोट प्राप्त हुए हैं, तो 180 का आंकड़ा क्या कहता है और मुझे इससे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, जो कि मैं धीरे धीरे सभी लोगों तक कनेक्ट हो जाऊंगी और लोग मेरे पास अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, इसका जवाब जनता मांग रही है। अगर इस पे अपन बात करें कि देश के गृह मंत्री चुनाव हार गए, तो वो हार गए तो हार गए, वो हार गए उनका हार, और मैं हारने जीतने की बात ही नहीं कर रही हूँ। रिकाउंटिंग भी कराई थी। नहीं, उनकी हुई ना, मैंने भी तो दिया है। हाँ, मैं ईवीएम की बात कर रही हूँ आपको, मैंने भी ये दिया है। लीजिए, ये देखिए, मैं वहीं पे आपत्ति लगाई थी कि मुझे सारी पर्चियां करिए। गृह मंत्री हार गए तो हार गए, एक दो सीटें हरवाना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। इस सब्जेक्ट पे आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं? मेरे पास लोगों के नहीं तो वही तो मैं करी, जब लोग अपनी गोपनीयता भंग करके मेरे समक्ष आ रहे हैं कि मैडम हमने आपको क्या, चुनाव होने के बाद कोई नहीं बोलता मैडम कि आपको वोट दिया है, रिजल्ट तो आ गया और रूलिंग पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी विशेष की बोले, मेरा ही आरोप चुनाव आयोग से। अच्छा, आप मुझे बताइए, वोट हुए 17 को, तो आप तीन तारीख को क्यों काउंटिंग करें? ऑन द स्पॉट करिए, एक बूथ पे 1200 से ज्यादा तो वोटिंग होती नहीं है, तो आप सेम डे क्यों नहीं काउंटिंग कर रहे हर बूथ की? आप इतने दिन का ताम झाम ये सब दिखा रहे हो, वाय किसको बेवकूफ बना रहे हो? ऐसे तो फिर ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है मैडम, कि एक ही आदमी बार बार नहीं, मैं नहीं मान सकती ये चुनाव आयोग सर, मेरा आरोप बिल्कुल सही है और चुनाव आयोग को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मैडम, आपने जो आरोप लगा रहे हैं, आपने कहा कि एक ही व्यक्ति बार बार आ रहा है, तो आपका आरोप व्यक्ति पे है, चुनाव आयोग किसी पार्टी? चुनाव आयोग पे है मुझे। आयोग किसी पार्टी सपोर्ट कर रही है, व्यक्ति सपोर्ट कर रही है? मुझे चुनाव आयोग जो है, मुझे चुनाव आयोग से शिकायत है। आपने सबका जी से एक ही व्यक्ति बार बार आ रहा है जी, चुनाव आयोग व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है या पार्टी सपोर्ट कर रहा है? चुनाव आयोग को दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं, व्यक्ति भी सपोर्ट कर रहा होगा, पार्टी भी सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी तो बंधा हुआ है ना कहीं। और कुछ? कितने एजेंट रहे मैडम आपके इस बूथों में? पूरे में बूथों में एजेंट थे मेरे, मिनिमम 200 एजेंट थे मेरे। उन्होंने भी तो आपको रिपोर्ट दी होगी? रिपोर्टिंग दी? अरे सर, मैं क्या कह रही हूँ, मेरे 25 से 30 हजार वोट थे। मैं नहीं बोलती कि मैं चुनाव जीतती, मैं चुनाव हारती, लेकिन एक सम्मानीय हार भी कई तरह की होती है सर, आपके मनोबल को इतना तोड़ देगा। 180 को डिजर्व करती थी क्या मैं? डेफिनेटली नहीं। मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया था, मैं बोलना नहीं चाहती, बड़े बड़े पार्टियों के लोगों का फोन आ रहा था कि अब पर्चा बाहर निकाल लो, तो मेरा इतनी लोकप्रियता तो कम नहीं थी कि मेरे को 180 वोट मिलते। मेरे चुनाव आयोग पे सीधा कहना यह है कि आप चुनाव वैलेट पेपर पे कराइए, काउंटिंग सेम डे कराइए। आप काउंटिंग के लिए 10 दिन 15 दिन का किसके लिए वेट करते हैं? शासन भी परेशान होता है, प्रशासन भी परेशान होता है, सब कुछ, सब लोग परेशान होते हैं। आप सेम डे देखिए, हर बूथ पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम 1000 लोग वोट करते हैं, तो उसको तो काउंटिंग सेम डे किया जा सकता है सर। तो आपने अपनी बात कहाँ तक? चुनाव आयोग को मैंने बोला है ना, मैंने तो अभी पर्चियां काउंटिंग करने के लिए बोला है, उनने बोला कि मैं नहीं करूंगा, हम 5 की करते हैं। उनने कुछ मुझे रिप्लाई भी किया था लेटर, उनने ये रिप्लाई किया था मुझे, मैंने वापस इस पे लिख के भेजा था उनको कि नहीं, ये लोकतंत्र का हनन है, आप जो बोलोगे वो सही थोड़ी है, हर बार वो चीजें सही थोड़ी होती है कि आप जो कह रहे हो वो सही है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग बिक चुका? मैं बिल्कुल बिक चुका है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, मैं तो चुनाव आयोग पे खुला आरोप लगा रही हूँ, चुनाव आयोग बिका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये भी पता किया है जो लोगों से कि जबलपुर में जो हाईकोर्ट है चुनाव आयोग को जो प्रेजेंट करते हैं, वहां पे तो सुनवाई भी नहीं होती है। अब हम तो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल इंसान है, बड़ी बड़ी पार्टियों की पेंडिंग चलती है केसेस, 5-5 इन केसों का तो तुरंत इनको पेशियां करनी चाहिए, तुरंत इन केसों को सुलझाना चाहिए। रीजन यही है कि जैसे मैं प्रत्याशी हूं, मैंने कोई केस
केस लगाया, तो क्या मैं 5 साल बाद इस रिजल्ट का इंतजार करूंगी क्या? मैं चुनाव आयोग के तो एक अलग ही चलना चाहिए सिस्टम, सब कुछ तुरंत तुरंत इसका होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सर लोकतंत्र का